हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कि क्या चल रहा है। एकदम बुलेट ट्रेन की तरीके से जो है 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है। अभी तक तो कुछ पता ही नहीं था, कोर्ट में लटकी हुई थी, लेकिन अब जब शुरू हुई है तो एकदम बुलेट ट्रेन की तरीके से चल रही है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट का आदेश है वो जारी कर दिया गया है विशेष सचिव के द्वारा। तो इस वीडियो में हम उस आदेश को देखेंगे और उसके साथ साथ हमारे विकसित शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने क्या कहा है रिजल्ट आने के बारे में, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आदेश देखेंगे, उसके बाद जो है उनका वीडियो देखेंगे जो हमारे विकसित शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्रेषक हैं देव प्रताप सिंह, विशेष सचिव, विषय है सहायक अध्यापक भर्ती, 69,000 परीक्षा 2019 का परीक्षा फल घोषित करना, तारीख है 8 मई 2020। देखिए, सीधे मेन पॉइंट को देखते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के साथ संबद्ध याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 6 मई 2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परीक्षा फल जो है वो कट ऑफ मेरिट जो है 60-65% और अंकों में बात करें तो 90-97 के अनुसार घोषित किया जाएगा के संबंध में अनुमत प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित उक्त विशेष अपील संख्या 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के संबंध याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 6 मई 2020 द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का कटऑफ जो है वो 60-65% है और अंकों में जो है 90-97 है। तो ये जो है हाईकोर्ट ने जो है कह सकते हैं हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है लखनऊ ने जो है कहा है कि जो उत्तीर्णांक है वो 60-65% होगा और जो अंक है वो 90-97 लाने होंगे, तो उसके संबंध में जो है आदेश निकाला गया है। अगला पॉइंट है, अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि सम्यक विचारों उपरांत माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित ये जो होता है उसको नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये जो केस था वो जो है उसकी जो रिजल्ट था वो 6 मई 2020 को आ गया था, और उसमें जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65% अंक लाने होंगे, यानी 150 में 97 अंक, और समस्त आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 150 में 90 अंक यानी 60% अंक लाने होंगे, और इसी कटाफ पर जो है आपका परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो शासन ने जो है PNP को अनुमति प्रदान कर दी है। तो आप लोग परेशान ना होइए, और कल जो है 9 मई है और 9 मई को जो है आपकी आंसर की आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो आप जो है उसे 12 बजे के बाद देख सकते हैं, तो उसको देखिए। फिर उसके बाद जो है रिजल्ट कब आएगा उसकी जानकारी जो है हमारे विकसित शिक्षा मंत्री देंगे, तो उसको देखिएगा अभी वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो देखिए वीडियो। परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी है, और कल या परसों ही परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 शिक्षक हमको मिले, हमारे बेसिक शिक्षा में योगदान करने वाले साथी मिले, स्कूलों को टीचर मिले। तो अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, यथाशीघ्र यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, आपका जो रिजल्ट है वो कल परसों में आ जाएगा। तो कल आपकी आंसर की, परसों आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अभी फेस करेंगे, तो मैं जो है आपको एकदम जो है क्लियरली बताऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि मैं जो है 68,500 में उस चीज़ को देख चुका हूं कि क्या क्या लोग जो है गलतियां करते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।